चलो क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमने लेफ्ट आउट कर दिया था, स्टिल मेनी ऑफ दे हैव इन स्पाइट ऑफ वार्निंग ज्वाइन नहीं किया, बट चॉइस इज देयर। बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30 बिलो 35 बिलो 40 बिलो 45 बिलो 50 बिलो 55 और बिलो 60। पहले मुझे ये जो एज इन क्लास है उसको क्लास बनाना पड़ेगा, माइंड वेल। पहले मैं क्या बनाऊंगा, क्लास। इसके बाजू में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं लिख दूं, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये मोर देन टाइप का दिया है इन लोगों ने, ध्यान से देखना बराबर। ये इन लोगों ने क्या दिया है, मॉडर्न टाइप का दिया है सी एफ। आपको एफ भी बनाना है, यू हैव टू क्रिएट एफ एज वेल। ये हमारा सी एफ है। कैसे पता चलेगा कि ये एफ है और सी एफ है, ध्यान से देखो। अगर आपने अभी तक नोटिस की है जितने भी सम किए मीन मीडियन मोड के, राइट, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 2, 5, 7, 2, 3, 0 ऐसा कुछ भी आता था। यहाँ पे आप लोग देखो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये सी एफ है। और जब ऐसे बिलो वाला सम हो तो उन लोगों ने सी एफ दे के रखा है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले क्लास। तो चलो बनाते हैं क्लास। क्लास में अगर आप देखेंगे 20 से 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 40 टू 45, 50 टू 45, तो मतलब कि पहला वाला क्लास अपना कौन सा आएगा, तो कि पहला वाला क्लास हम लोग ले सकते हैं 15 टू 20, क्यों कि बिलो 20 है ना, तो 15 से ले सकते हैं। दूसरा क्लास क्या आएगा, 20 टू 25, बाद में आएगा 25 टू 30, बाद में आएगा 30 टू 35, बाद में आएगा 35 टू 40, बाद में आएगा 40 टू 45, देन कम्स 45 टू 50, देन कम्स 50 टू 55 एंड देन कम्स 55 टू 60। अब आपने इतना देख लिया, हमारे पास सी एफ रेडीमेड है, जो हम लोग को सी एफ चाहिए ना वो रेडीमेड है। तो क्या नहीं है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लाएंगे, यहां देखो सी एफ से एफ कैसे लिया जाता है। आप लोग एफ से सी एफ तो कैसे ऐसे फटाफट जेड बना बना के लेते थे। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 2 का 2 बिलो 22 ही है, जरा ध्यान से देखो। बट बिलो 25 6 है, इसमें से बिलो 20 वाले कितने हैं, बिलो 20 वाले 2 है, बिलो 25 वाले मतलब के दोनों मिला के 6 है। आई रिपीट, बिलो 20 के सिर्फ 2 थे, कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग राइट बिलो 20 मार्क्स, तो 2 ही जन थे। बट बिलो 25 में और 4 खड़े हो गए, मतलब के 25 और 20 के बीच में कितने हैं, 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब क्या होगा, 25 टू 30, अब आपका 24 है, 24 में से मतलब आपको ऐसे ऐसे माइनस करना है, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 तो के 21, 78 माइनस 45 तो के 33, 89 माइनस 78 तो के 11, 92 माइनस 89 तो के 3। खास देखने जैसा है, 98 माइनस 92 तो के 6 एंड 100 माइनस 98 तो के 3। ये आपका क्या आया, ये 18 है। अगर आप इसका टोटल करोगे ना, टोटल करके देख लो, 100 आएगा। 2 एंड 4 6 एंड 8 14 एंड 1 15 एंड 3 18 एंड 1 19 एंड 3 22 एंड 6 28 एंड 2 30, 3 एंड 1 4 एंड 3 7 एंड 2 9 एंड 1 10 100, ऐसा हो गया बराबर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आपका सी एफ आ गया, अब हमको किसकी जरूरत है, क्योंकि तो भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बराबर। इसका एल क्या है, तो पहले क्लास लिखते हैं, व्हाट इज योर क्लास,
35 टू 40, जिसमें एल क्या है, एल आपका 35 है, बराबर। अब आपकी फ्रीसिंग फ्रीक्वेंसी उसके सामने है एफ, एफ कितना है 33, और सीएफ उसके ऊपर वाले का लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे ऑड लगे तो वहां पे सीएफ बना देने का। देखो मैं आपको सीएफ बना के भी बताऊं, ये 2 2n 4 6 and 24 and 45 and 78 and 89 and 92 and 98 और 100 हो गया आपका, सेम टू सेम आ गया इस तरफ वाला। आपका सीएफ कौन है, तो कि सीएफ आपका है 45, एच है एच, तो कि हाँ 5। फॉर्मूला रखो, m इक्वल टू l प्लस n बाय 2 माइनस सीएफ अपॉन f इनटू एच। L कितना लिखा है, तो यहाँ 35 है, n बाय 2, 100 बाय 2 मतलब कि 50, वो हमने यहाँ नहीं लिखा था, 50। CF कितना है, ना है 45, नीचे F कितना है 33, और ये आपका 5, 5 इंटू 5, 25 बाय 33, चलो, आया 35. यस एग्जैक्टली 35.76, 33 को राइट 7 से 7 3 21 7 21 23, बाकी बचा 19, आगे लाएंगे 6 3 18 1 6 3 18 and 1 19 राइट, तो 7 6 35.0756 मतलब 0756 आपका आंसर आ गया। Hence your 15.3 exercise is over. But अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे sums बाकी है, बराबर। ये तो अभी question खत्म हुआ। अब कल हम लोग graph के don't run away, graph के question देखने वाले हैं, और exercise 14.4 तो देखो तो तीन sum ही है, but तीन sum में इन लोगों ने less than type, more than type और graph और सब पूछा हुआ है। मतलब स्टिल 2 days आई नीडेड। अगर आज मंडे हुआ राइट, अगर आज मंडे हुआ तो हम लोग ट्यूसडे हुआ तो वेनेसडे थर्सडे 2-3 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे इसको। फिर बाद में अपना 7 chapter, क्योंकि HNB वालों ने पता नहीं कौन से लाए हैं, 7 chapter हमको करना पड़ेगा, बराबर। फिर हम लोग एक पॉज लेंगे। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसा है जो पॉज लेंगे, मतलब हाँ पॉज लेंगे मतलब पॉज लेंगे मतलब के थोड़ा आराम करेंगे, रिवीजन करेंगे। कितने चैप्टर हो गए, मतलब ऑनलाइन क्लास बंद ना भाई, बीच में हमने आज तक कभी ब्रेक ही नहीं लिया है, तो बीच में 3-4 दिन तो लूंगा ना मैं, नहीं बंद नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। निहारिका आई कैन हियर यू इवन फ्रॉम बैक साइड, ऑनलाइन बंद नहीं होगा, चिंता नहीं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको बता रहा था, जो क्वाइट obnoxious you can say, कुछ खतरनाक है, बस ये आज का आखिरी होगा। 20 29 28 33 42 38 43 and 25 क्यों लिख रहे, बस आखिरी समय से 6 28 24 15 2 4 1 and 20 ऐसा एग्जाम्पल है। ये आपका क्लास और ये आपका प्रेफरेंस। माय स्टूडेंट्स म्यूट ही रहे। अब अपना अगर आप लोग जानते हैं ये अनग्रुप डेटा है, क्लासिफाइड डेटा नहीं है। ये सम को खास नोट करके रखो, इट्स अ टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन बट दे लव टू आस्क दिस सम। तो पहले मुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा, व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू अरेंज।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अरेंज, सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 20, इसके बाद कौन है, वो रहा 25, याद है ना आपको, दो दिन पहले सिखाया था, और इवन 20 के बाद 25 के बाद आपका मिलेगा 28 के बाद 29 के बाद 33 के बाद 38 के बाद 42 के बाद 43. अब 20 के सामने की फ्रीक्वेंसी जो जिसके सामने है वही लिखनी है, 25 के सामने की फ्रीक्वेंसी 20, 28 के सामने की फ्रीक्वेंसी 24, 29 के सामने की फ्रीक्वेंसी 28, 33 के सामने की फ्रीक्वेंसी 15, 38 के सामने की फ्रीक्वेंसी 4, 42 के सामने की फ्रीक्वेंसी 2 और 43 के सामने की फ्रीक्वेंसी 1, राइट? अब जरा ध्यान से देखो, ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा में भी आपको क्या करना है वो खास ध्यान रखना है, अनग्रुप डेटा में भी आपको सीएफ तो बनाना ही है, राइट? क्या बनाना है, सीएफ, टेक केयर, तो सीएफ बना लेते हैं, सीएफ बनाते हैं तो ये आपका एफ, ये आपका राइट, क्लास तो नहीं लिख सकते, जो भी उसका दिया है कि भाई क्या दिया है, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, सीएफ लेते हैं 6, 6 and 20, 26 and 24, 50 and 28, 78 and 50, 93 and 497 and 299 and 100, मतलब ये टोटल भी 100 होना चाहिए। अब खास देखना है, यहां तक तो सर वो क्लासिफाइड ग्रुप डेटा जैसा ही था, बट जो 100 आया n by 2 तो 50 हुआ। अब 50 इसमें है तो कि ये रहा दिखता है, हाँ बोल दो, हाँ बोल, हाँ एक मिनट नहीं जाती, मुकलाई दो, मैसेज कर दो, तो जीएसटी भरना था उसका ओटीपी आया, थैंक्स फॉर वेटिंग। यहाँ पे देखो 50 आ गया, 50 आया ना तो 50 किस में है, ये रहा 50। अब यहाँ पे तो क्लास है नहीं, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ऐसा है कि जो ये क्लास आएगा उसके बाद का ऑब्जर्वेशन लेने का एन प्लस वन बाय टू हमेशा, तो 28 प्लस 29 by 2 मतलब के आपका कितना आया 957 by 2 मतलब के 28.5 आपका मीडियन आया। आई रिपीट, पहले जो भी आया 100 इसका हाफ कर दो, आपने हाफ कर दिया, 50 आया 50 फॉर्चुनेटली यहाँ पे मिली गया, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन और तुरंत उसके बाद का ऑब्जर्वेशन, आपको पता है n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 1 प्लस वन मतलब के जरूरी नहीं कि हमेशा उसके बाद 29 ही हो, कोई गैप भी होगा, राइट? तो उसके बाद का तुरंत का जो होगा वो डिवाइडेड बाय 2 वो आपका ऐसा आएगा। क्या मैं आपको ऐसे सम एकाध दूं, चुड़ाई एकाध सम ऐसा दूं, चलो बोलते नहीं है मतलब के देने का,
समझ में नहीं आया है तो वो मैं कर दूं फिर और एक आपको। चलो इस बार अरेंज करके देता हूं 18, 22, 35, 39, 42, 45, 47, 4, 5, 8, 8, 16, 4, 2 और 3 मार्क्स और सीएफ। चलो जो लोग अपने आप कर सकते हैं वो ट्राई करो, जिनसे नहीं होगा मैं करके दूंगा। ये एफ है फ्रीक्वेंसी, सी है मेरे से आगे करके फटाफट करो और मुझे बताओ, फिर मैं आपको एक ऐसा सम दूं। कितना है? नहीं भाई 25.5 कैसे आएगा, वो तो इसमें से आएगा ना। चलो 50 है तो 25 आया बराबर, n by 2 50। CF में देखने का देखा, अब n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation upon 2, n by 2 observation 35, ये है 37। हाँ 37, आपका आंसर 37। इजी इजी सम था, एक और देख लेते हैं लास्ट वन एंड दैट विल बी एंड ऑफ आवर सेशन। एक ऐसा मैं आपको दे दूं, अब ये तो आ ही जाना चाहिए, इसको बराबर देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट वो एंटायरली में आपको देता हूं, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। आपका एफ होगा 7, 10, 15, 18, 20, 10, 9, 8, 4. चलो गलत 19 गलत 15.5। कौन बोला? ध्रुव, ध्रुव सेलर। और इस तरफ निधि, यस 15.5 इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो 100 का आप लोग कैसे कैसे लाते हैं दूसरे आंसर, 100 बाय 2 मतलब 50 आया, 50 के सामने कौन सा ऑब्जर्वेशन है 15, इसके बाद का तुरंत का ऑब्जर्वेशन 16, 15.5 इज द आंसर। ये तीनों सम को बराबर ध्यान में रखना, मिलियन में कोई भी सम पूछ सकते हैं। तो दैट इज द एंड ऑफ सेशन। अब प्रायर टू दैट मैंने आपको बोला था कि